हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एसएससी अरविंद में। तो जैसे थंबनेल देख आप समझ गए होंगे कि आज से हम लोग कौन सी अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम अपनी खुद की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज है 21 जुलाई और आज है संडे। तो संडे को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक मॉक टेस्ट देते हैं। तो आज हम यूपी पुलिस का एक मॉक टेस्ट देंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो भी हमारे चैप्टर्स वीक हैं उसको हम कॉपी में लिखेंगे और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे उसको भी हम लोग लिखेंगे और मैं आपको अपना नंबर भी शो करूंगा। और साथ ही आप भी, आज संडे है तो आप यूपी पुलिस का मॉक जरूर दीजिएगा और उसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा। जो भी हम लोगों ने आज टारगेट्स बनाए हैं, मैं खुद जो मैंने अपने टारगेट्स बनाए हैं मैं आपको आप स्क्रीन पर शो कर दूंगा, या फिर मैं अपने अपनी कॉपी में आपको दिखा देता हूँ कि आज हमने टारगेट्स क्या बनाए हैं। और वो टारगेट्स में आज सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे, कल मंडे है तो कल से हम लोग अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और मैं आपको डेली टारगेट्स देता रहूँगा। और आप भी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप खुद का अपना प्लान बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी अगर आप खुद को प्लान बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं और मेरा प्लान देखकर आप भी उसको डेली फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी अंकित सर ने खुद अभी कल या परसों वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम यूपी पुलिस का सितंबर तक जा सकता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा और साथ में बाढ़, बहुत जिलों में बाढ़ आ गई है यूपी में, तो उसी की वजह से हमारा पेपर 1 महीने डिले हो गया है। तो बढ़िया है यार, हम लोग को और टाइम मिल गया है तो हम लोग और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दिया था हम लोगों ने, यूपी पुलिस का पहले ही दिया था हम लोग एग्ज़ाम। तो अपने को सिर्फ रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारे पास जो भी मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा उसको ज़रूर पूरा करिएगा और पूरा करने के बाद आप, हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि मंडे से फ्राइडे पूरा डेली पूरा स्टडी करके पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद सैटरडे और संडे को हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको भी कोई अगर प्लान समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि और हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए आज के टारगेट देख लेते हैं। फिर आज अपना टारगेट, जैसे कि हम लोग आज 21 जुलाई है और संडे है तो आज है रिवीजन डे। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, यूपी पुलिस का एक मॉक टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फिर मैथ में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने अभी लगाया हुआ था, तो आप भी आज उसको लगा सकते हैं क्वेश्चन, तो कल भी हम उसको नंबर सिस्टम ऐड कर देंगे उसमें। और साथ ही आप कैलकुलेशन जरूर कीजिए, 120 तक स्क्वायर, 115 तक क्यूब, 10 प्लस करना है, 10 माइनस, 10 इंटू 10 डिवाइड, और टेबल आपको 2 से 15 तक आज लिखनी है। अगर आपको ज़्यादा लग रही तो आप 2 से 10 तक भी लिख सकते हैं, बाकी मेरे को याद है इसलिए मैं 13 14 15 इनकी बस मेरे को याद करनी है तो मैं उसकी लिखूँगा। रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आज हम लोग मॉक देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर हमारे वीक हैं, तो उनको आज हम लिख के फिर अगला कल से अपने टारगेट्स में ऐड करेंगे। हिंदी में मैंने वर्णमाला संजय विराम चिन्ह पढ़ रखा था तो उसका आज रिवीजन करेंगे। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो इसकी तीनों को रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो आप आज इन चैप्टर को छोड़ सकते हैं या फिर कोई एक चैप्टर पकड़ सकते हैं, जैसे संजय छोटा है या फिर विराम चिन्ह, तो आप किसी एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और उसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा। साथ में साहित्य में आप ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप पढ़ लीजिएगा आज, और फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज़्यादा नहीं है, मैं उसकी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या मेरे पास वो रखा हुआ है, मैंने नोट्स बनाई हुई है। एक वीडियो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये आप वीडियो देख लीजिएगा, उसी से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, फिर 24 पर्यायवाची मैंने पढ़ रखी है, 3 पेज विलोम, 2 पेज मुहावरा और 2 पेज वाक्यांश के लिए। इतना मैं आज पहले से मैंने पढ़ रखा था उसी पर रिवीजन करना, तो आप इसके जगह हम क्या कर सकते हैं कि एक एक पेज विलोम, एक एक पेज मुहावरा, एक पेज वाक्यांश शब्द और 2 पर्यायवाची आप लिख लीजिएगा। अगर आप पर्यायवाची पहले से पढ़ रखे हैं जो, तो उसको रिवाइज कर लीजिए, बाकी आप कल से हम नया टारगेट स्टार्ट करेंगे तो नए से स्टडी करने वाले। बाकी जीएस में मैं नायक सीरीज पढ़ता हूँ, जो भी प्रैक्टिस सेट नवीन सर कराए हैं तो उसका मैं रिवीजन करने वाला हूँ। बाकी आप अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, नहीं बाकी मैं कल से आपको बिना प्रैक्टिस सेट के अलावा भी आपको शेड्यूल दे दूंगा। तो सिर्फ आज था हमारा ओनली रिवीजन, तो जय हिंद, इस बार वर्दी अपनी होगी। और एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जान लगा दो या फिर जाने दो, तो यही है गाइज, अगर आपको पढ़ना है तो पूरी अच्छे से जान लगा दो या फिर आप जाने ही दो। और देख सकते हैं आप इधर मेरी सारी नोट्स रखी हुई, उधर जीडी की नोट्स रखी हुई हैं और इधर अभी मैं अभी चाय पी के रखा हूँ, इधर मैं मैथ्स लगाता हूँ तो वो रखा हुआ है, और बाकी ये मेरे डैड की यहाँ पे कुछ, पापा मेरे सीआरपीएफ में हैं तो अभी वो आरएएफ से डिप्टेशन से बाहर आए हैं तो वो
उनका ये यहाँ पे फोटोज रखी हुई हैं। सो गाइस ये रहा हमारा आज का टारगेट, और अगर आपको अब कल से हम लोग डेली स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो आज रिवीजन था क्योंकि मैंने पहले से भी पढ़ाई कर रहा था, मैं आपको वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आप कल से डेली इसमें डेली टारगेट्स होंगे हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन पढ़ाई करेंगे, 2 दिन रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस रिवीजन सीरीज से जुड़ना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर उनको पुलिस की तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको बता दूँ कि मैं खुद MP से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ स्टेट पुलिस में बहुत कम वैकेंसी आती हैं, और साथ ही अभी मेरा GD में भी, मैं आपको GD के बारे में बताऊँगा, चलिए GD के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आप ये सीरीज उनको दिखा सकते हैं, वो अपना टारगेट डेली इसी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में शायद इतना ही, जुड़े रहिए आगे। जय हिंद, जय भारत।